तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन को देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहां से आपको पूरा का पूरा आपका कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि सेट ए मेरे द्वारा पहले ही अपलोड किया जा चुका है और मैं यहाँ पर आपको अब सेट बी बता रहा हूँ। सेट बी का पूरा सॉल्यूशन आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा से याद कर लो। पेपर बिल्कुल आपका ए टू जेड ऐसा कैसे आएगा जैसा कि मैं यहां से आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को भी पता ही वैसे कि आपके जो सेट पेपर है ना, अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरीके सेट पेपर आ रहे हैं। किसी को सेट ए मिल रहा है, किसी को सेट बी मिल रहा है। अब ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा, ये सेट बी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनके के पास में सेट बी आता है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही आपका सेट बी आएगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि सेट बी मैंने जो आपको बताया, कभी कभी स्कूल वाले उसके ऊपर यहाँ पर सेट ए लिख कर आपको दे देते हैं। अब ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बिल्कुल आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करोगे। देखिएगा, आप लोगों के लिए मैं आपको तीन वीडियो देता हूं। अगर आपने तीनों वीडियो अच्छे से याद कर लिए तो एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जाता है। तो आप सभी लोग ये किया करो कि तीन वीडियो को देख कर जाया करो, तीन वीडियो में से एक वीडियो बिल्कुल आपका पूरा पसेगा, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखा करो। आप कई बच्चे क्या करते हैं कि जाते जाते पेपर देने जाना जैसे कि, और जाते जाते वो क्या करते हैं कि जल्दी से किसी वीडियो को देख जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि सर ये वाला पेपर नहीं आया। अब भाई आप ये बताइएगा यार कि सेट ए आपने देखा और आपके पास में सेट बी आ गया, तो फिर वो कैसे मिलेगा। इसके लिए आप लोग ये करो, प्रत्येक वीडियो को देख कर जाया करो, फिर बिल्कुल आपका पेपर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आगे से आप लोग तीनों सेट पेपर देख कर जाओगे, और अगर आप लोग तीनों सेट पेपर देख कर गए ना तो 101% पूरा का पूरा पेपर आपका वैसा का वैसे मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके राजनीति शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, कि कैसे आपका पेपर होगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप लोग इसे देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प कैसे चुनकर लिखना है, पहला क्वेश्चन, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। तो देखिएगा, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि लिखा है यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा, ये हुई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिएगा, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि लिखा है सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। तो देखिएगा, दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है सार्क। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिएगा, भारत भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी सदस्य है, श्रीलंका भी सदस्य है, मगर चीन जो है ना इसका सदस्य नहीं है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे इसको नोट कर लें, पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है, तो आप सभी लोग ऐसे इसको समझ लें। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सोवियत संसद का नाम है। तो देखिएगा, सोवियत संसद का नाम क्या होगा, ड्यूमा होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस जगह पर आपको क्या लिखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा बता दिया। अब इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता के बाद देश में गुलजारी लाल नंदा तीसरे प्रधानमंत्री बने। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उत्तरांचल राज्य बनने से पूर्व किसका हिस्सा था ये। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा हुआ करता था। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 का अभी तक मैंने आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर 5, 4 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। पांचवा देखते हैं, सिक्किम को 22वां अलग राज्य बनाया गया, कब बनाया गया था, 1975 में। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूरे के पूरे पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है।
सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। कौन सी क्रांति से आई? हरित क्रांति से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। तो देखिएगा, इतना क्वेश्चन मैंने आप सभी को पूरा बता दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मेरे द्वारा आप सभी को पूरे के पूरे रियल पेपर दिए जाते हैं, और आपके उन रियल पेपरों में से ये भी एक रियल पेपर है। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ तक का नोट कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे बनानी है? पहला क्वेश्चन, चरण सिंह की जोड़ी मिलान कर लेनी है किसान नेता से। वर्गीज कुरियन की जोड़ी का मिलान कर लेना दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति की जोड़ी का मिलान कर लेना मछली पालन से। पंचशील समझौता का जोड़ी का मिलान कर लेना 1954 से। दलाई लामा का आपको मिलान कर लेना है तिब्बत के धार्मिक नेता से। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। तो देखिएगा, ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चन है ना, उनका सॉल्यूशन भी, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ तक का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी लोग यहाँ से इसके सॉल्यूशन को देख लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला समझौता किसके बीच हुआ? तो देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन, मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश नीति क्या है? तो देखिएगा, एक देश के विदेशों से संबंध, इसको विदेश नीति कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, आप सभी लोग यहां तक का इसको कंप्लीट कर लें। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका पोखरण राजस्थान में 18 मई 1974 को हुआ था भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक का इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट उद्बोधन संबंधित है। किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो यहाँ तक का आप लोग ऐसे नोट कर लें पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिएगा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे वी के मेनन। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, तो पूरा का पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या क्वेश्चन है? शॉक थेरेपी से रूस का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है? तो देखिएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 1991 में येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया, बिल्कुल सत्य होगा। दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा पूरा इलाका, बिल्कुल सत्य है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की थी, तो देखिएगा असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, देश का दूसरा आम चुनाव 1989 में हुआ, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का नोट कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये है प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लें, 8 को देख लें, 9 को देख लें और 10 को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, किंग मेकर किसे कहा जाता है? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? भारत नेपाल संबंधों को समझाइए। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख ले, बहुत ही जल्दी मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा, ऐसा का ऐसा ही पूरा का पूरा आपका पेपर आएगा, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है और 22 लिखा गया है, 23 लिखा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक का देख लो। और इसी के साथ में आप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।